दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं मोहम्मद इकलाक खान। आप देख सकते हैं अभी रात्रि को मैं हंसपुरा से 6 मजदूरों को लेकर जो है मैं निकला हूँ। इस रात को शेरघाटी के लिए निकला था। इन लोगों को हमारे प्रवीण शर्मा दोस्त ने बताया कि हंसपुरा में 6 मजदूर फंसे हुए हैं, जो पुलिस की नज़र में भी हैं। BDO साहब भी जानते हैं, मुखिया जी भी जानते हैं। यहाँ तक कि इनको मात्र 50 किलो चावल की व्यवस्था की गई थी इतने दिनों में। लेकिन अब ये जुबानी इन्हीं से सुनिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये बताएंगे। आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम मुंटू सिंह है सर। आप हंसपुरा में किन के यहाँ थे? हंसपुरा वो ये कल उसका नाम क्या? सुरेश। सुरेश जी वो ठेकेदार है, मकान मालिक। कहाँ थे? मकान मालिक है सर। उनके यहाँ कितना दिन से आप फंसे हुए थे? दो साल से। कितना दिन से फंसे हुए? 2 साल से काम न करते थे? 4 महीने से फंसा हुआ। कैसे बोलिए ना, 2 साल से बोल रहे हैं, 4 महीने से फंसे हुए हैं। तो इस बीच में आप उनको बताया कि हम लोग को बंगाल जाना है, काम खत्म हो गया है। तो काम आप लोग का कब खत्म हुआ था? काम खत्म हुआ 22 तारीख से सर। काम हम लोग उनका लॉकडाउन शुरू हुआ ना, हाँ। उसी में सर सब हम लोग उनको बैठा दिया। हाँ, पूरा काम बंद हो गया हम लोग उनका। हाँ, ठीक है। वही घर मालिक लेके गया और जो लाला बोल के है, हाँ। मुखिया का जो ये बोलता है वो लेके गया था, वही ले जाके मुखिया के पास हम लोग उनको 50 किलो चावल दिया। हाँ। और बोला था जे तुम लोग उनको सब्जी के चावल और सब्जी के लिए 500 रुपए मांगा के। हम आप मुखिया जी या BDO साहब से नहीं बोले कि हम लोग को बंगाल छुड़वा दीजिए? तो सर यह तो सर हम लोग उनका बात नहीं माना है। BDO ऑफिस गया था, एक कागज दिया सर लिख के, जैसा करो ऐसा करो सर, ऑनलाइन में करना बोलता है। तो सर हम लोग उनको उतना लेखा पड़ा है जो हम करना पाएगा, ऑनलाइन लेके गया, ऑनलाइन में नहीं हुआ सर। थाना में गया सर, थाना में एक ही साथ में चाप ही रहा है सर। थाना जा रहा है तो भागो भागो बीजा BDO के पास, वही सर अलाउ नहीं करता है सर। बंगाली बोलकर मुस्लिम बोलकर सर कोई अलाउ नहीं करता। लाला एक ही बात बोला था सर, ये लोग बिहारी होता था कि हिंदू होता था तो तुरंत ये लोग उनका परमिशन मिल जाता था, और तुम लोग परमिशन नहीं दिया, मुखिया के सामने बोला लाला जी। अच्छा, क्या मुस्लिम बता रहे हैं कि मुस्लिम जान के नहीं किया गया? मुस्लिम बोलकर सर वो लोग हम लोग उनको नहीं दिया। बस्ती में था ना, हाँ। वो घर मालिक भी गया था, और को जे मेंबर बोलता है उनके जो वोट में जो डालता है सर, हाँ। तो वो मुखिया से छोटो सर, मुखिया तो बड़ा हो जाता है। तो वो गया था सर, वो बोल के जो ये लोग उनको हिंदू होता था ना तो जल्दी अभी तुरंत कर देता था, साइन विन करके परमिशन दे देता था। और ये लोग मुस्लिम है बोल के जो ये लोग उनका रमजान है, रोजा है, अभी पर्व है, तो सर हम लोग उनको नहीं दिया। मुखिया का बस गया, मुखिया भी जाने बोला, दाउद नगर गया सर, दाउद नगर भी गया, कुछ नहीं हुआ। उकिल पकड़ो, उकिल को बोला तो उकिल बोला नहीं होगा। उकिल का पास गया सर, उकिल बोला है जाओ तुम वहाँ, खाली आप ही का नाम से वही लड़का बताया था। तो कौन लड़का बताया था? मुझे सिकंदर लाला बोल के सर। अच्छा, उसने क्या बताया आपको? कोई आप ही का नाम बोला, इकबाल बोल के जो एक लड़का है ना, वही करना तुम लोग उनका कुछ करना पाएगा तो पाएगा, नहीं होगा। और वही हम लोग उनको बोला तो सर। तो आप लोग को पहले आप शेरघाटी जाने की बात करी थी कि शेरघाटी तक हमको छोड़ दीजिए, ठीक है? तो शेरघाटी तक मैंने आपको छोड़ने, तो आपको बताया कि बंगाल जाना है सर। तो बंगाल जाने के बाद आपको मैं 12 चट्टी तक छोड़ने का वादा किया कि 12 चट्टी छोड़ दूंगा, तो आपको कम से कम वहाँ से राहत हो जाएगी। वहाँ पुलिस वाले से मिल के मैं आपको बात करा दूंगा, ठीक है? तो अब बताइए कि आपको अभी इस गाड़ी में बैठा के आपको मैं ले जा रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है। आपसे हमारी कोई जान पहचान थी पहले से? नहीं, जान पहचान कुछ नहीं सर। आप हमको जानते थे कभी भी? नहीं सर। सुना है 2 दिन बोला वही, हाँ। उसी के पास है, वही नाम सुना है सर, किंतु आपका घर भी नहीं देखा और पहचान भी नहीं है सर। हम लोग आपका क्या नाम हुआ? मंटू शेख। आपका क्या नाम हुआ? बेगू शेख। और पीछे बैठे हो भाई बंधु, बताओ। रफीक शेख। अच्छा, आप लोग सबके सब मुस्लिम समुदाय से हो? हाँ, सब मुस्लिम है सर। अच्छा, सब मुस्लिम समुदाय से हो। हाँ, 2 साल से आते थे यहाँ हंसपुरा में काम करने? जी सर। लेकिन ये लॉकडाउन में फंसने के वजह से आप लोगों को ये परेशानी हुई? हाँ, तो और आप लोग और लोगों से संपर्क क्यों नहीं किया कि हाँ हम लोग को पहुँचा दिए? इधर मुस्लिम बस्ती तो क्या बोलता है रे?
अमझर अमझर जो सर मुखिया है अच्छा उसी के पास में सर गया इब्रार के पास गए थे इब्रार मुखिया तो वो क्या बोला सर बोलता है हमारा हाथ नहीं है पहले जो अमझर में अभी जो हम लोग 30 आदमी फंसा हुआ है सर अभी भी अमझर में 30 आदमी अमझर में अभी 30 आदमी फंसा हुआ है सर हाँ तो कल 10 आदमी गया 13 आदमी चला गया वो लोग वहीं से और पैदल गया वो लोग हम लोग 7 आदमी सर था सात कल एक आदमी भाग गया साइकिल लेके भाग गया और हम लोग 6 आदमी सर वहाँ है अभी कम से कम 10 आदमी है वहाँ तो मुख्य उसका सर गया था तो सर भेट नहीं हुआ घर में ताला लगा तो आप यार मुखिया आपको क्या बोला कि हम नहीं मदद कर पाएंगे नहीं सर उसका सर भेट नहीं हुआ नहीं भेट हुआ भेट नहीं हुआ अच्छा चलिए ठीक है देखिए अभी हम गया से हाँ वहाँ जो पुलिस लोग भी है जो चाय बैठ के खाता है सर चाय वो पीता है सबको बोलता है सर कुछ व्यवस्था कर दीजिए हम लोग का कोई हाथ नहीं है हम लोग नौकरी खा लेगा तुम लोग नौकरी खाएगा अच्छा आप देख सकते हैं कि ये अभी गया से हम डोभी तक मैंने हसपुरा से निकले थे गया तक आ गए थे तब मैंने सोचा कि इनकी हकीकत और सच्चाई को ऐसे में लाइव आया था एक घंटे में हसपुरा से गया आने में मेरा एक घंटा लगा है पूरी टाइम मैं लाइव आया हूँ तो मैं इनको कोई सिखा उखा नहीं दिया हूँ कि हम सिखा कर करके जो है इनको मैं बुलवा रहा हूँ कि आप इन पे इल्ज़ाम लगाओ उन पे क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं जितनी टाइम बची मैं लाइव आया उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ बनाने के बाद आप देख सकते हैं ये डोभी हम पहुंचने वाले हैं और इनकी ये स्थिति है कि इन्होंने बताया कि हमें शेरघाटी जाना है हमको परवीन शर्मा ने भी बोला कि भैया शेरघाटी तक इनको छोड़ दीजिए तो हमने सोचा चलिए शेरघाटी छोड़ देते हैं लेकिन शेरघाटी छोड़ने की बात जब इन्होंने किया तो शेरघाट जब इनको गाड़ी में बैठा के चले भाई गरीब मजदूर बाहर के हैं तो अपनी निजी गाड़ी में बैठा के शेरघाटी तक इनको छोड़ने के लिए बैठाया लेकिन जब ये गाड़ी में बैठे तब इन्होंने बताया कि हमको बंगाल जाना है दादा क्योंकि हम लोग को शेरघाटी छोड़ देंगे ना चेक पोस्ट से हम लोग किसी तरह पैदल या गाड़ी से किसी तरह ट्रक व्रक में लटक पटक के या लिफ्ट लेके हम चले जाएगा हम बोले अरे ऐसे कैसे होता है बंगाल में इनको मुर्शिदाबाद जाना है कहाँ मुर्शिदाबाद जाना है आप लोगों मुर्शिदाबाद जाना है मैंने बोला यार ऐसे क्या हो तो मैंने अपनी मानवता दिखाते हुए मैंने इनको बोला कि चलिए आपको मैं 12 चट्टी तक झारखंड का बॉर्डर है वहाँ तक छोड़ देता हूँ क्योंकि गाड़ी आपको मैं शेरघाटी छोड़ने के लिए निकला ही था और दोस्तों नहीं तो मैं बंगाल भी इनको छोड़ देता लेकिन दिक्कत इस बात का है कि सुबह सुबह मैं लौट करके गुड़ारू हॉस्पिटल में एक महिला है मनोज मंजुल यादव जिनकी भाभी उनको ब्लड डोनेट करना है और ओ पॉजिटिव है और हमारे सियाराम कुशवाहा जी जो हमारे ड्राइवर हैं गाड़ी चला रहे हैं इनका ओ पॉजिटिव है हम लोग खून डोनेट करेंगे और खून डोनेट करने के बाद इसीलिए हम इनको बंगाल नहीं छोड़ पा रहे नहीं बंगाल भी छोड़ देते और मजबूरी है कि हम एक तरफ जान भी बचानी है ब्लड डोनेट करनी है इसलिए आप देख सकते हैं कि पुलिस पदाधिकारी पे ये कैसे आरोप लगा रहे हैं वीडियो और मुखिया पे कैसे आरोप लगा रहे हैं मुझे बेहद अफसोस है कि हमारे क्षेत्र के जो भी हैं पुलिस पदाधिकारी या वीडियो या मुखिया जी जो आपने किया है ये गलत किया है इनको इस तरीके से नहीं होना चाहिए और ये मजदूर आदमी बाहर से आया कमाने के लिए इनकी कोई हसपुरा में मदद नहीं की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है और ना मुझे बताया गया मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं मोहम्मद अखलाक खान हसपुरा जिला औरंगाबाद बिहार पटना सकलोपा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे मेरा मोबाइल नंबर मिलेगा आप किसी भी मुसीबत में हो डायरेक्ट मुझे मोहम्मद अखलाक खान को कॉल करें आपको हर संभव में मदद करने की कोशिश करूँगा जय हिंद जय भारतवर्ष की जनता तमाम मीडिया प्रभारियों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को न्यूज़ के माध्यम से दुनिया को दिखाने का काम करें कि आज जात और पात और धर्म के नाम पे किस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता है और धुतकार के भगाया जाता है जय हिंद जय भारतवर्ष की जनता